अभिनेता रणदीप हुड्डा को बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में संयुक्त राष्ट्र की जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण संबंधी संधि CMS के राजदूत यानी कि एम्बेसडर के पद से हटा दिया गया। अभिनेता की सोशल मीडिया पर 9 वर्ष पुराने एक वीडियो के लिए आलोचना की जा रही है, जिसमें वह मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते नजर आ रहे हैं। एक मीडिया घराने द्वारा 2012 में आयोजित एक कार्यक्रम का यह 43 सेकंड का वीडियो है, जिसे ट्विटर पर एक यूजर ने साझा किया था। इस वीडियो में हुड्डा ने एक चुटकुला सुनाया, जिसे जातिवादी और सेक्सिस्ट बताया जा रहा है, और वे दर्शकों के साथ हंसते भी नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर हुड्डा की खासी आलोचना हुई। इसके बाद CMS की वेबसाइट पर एक बयान में कहा गया, CMS सचिवालय को वीडियो में की गई टिप्पणी आपत्तिजनक लगी और वह CMS सचिवालय या संयुक्त राष्ट्र के मूल्यों को नहीं दर्शाती। बयान में कहा गया, हुड्डा अब CMS के राजदूत नहीं है। अभिनेता को फरवरी 2020 में 3 साल के लिए जंगली जानवरों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण संबंधी संधि का राजदूत नियुक्त किया गया था। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ टिप्पणी के लिए 44 वर्षीय हुड्डा की खूब आलोचना हो रही है। कुछ आलोचकों ने तो उनसे माफी की मांग भी की है। वीडियो साझा करने वाले व्यक्ति ने कहा, क्या इससे यह पता नहीं चलता कि यह समाज कितना जातिवाद एवं लैंगिकवादी है, खासकर एक दलित महिला के खिलाफ। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने भी इसी टिप्पणी की आलोचना की है। उन्होंने रणदीप के मजाक को जातिवाद, घटिया और सेक्सिस्ट बताया है। ऋचा को एक यूजर द्वारा टैग करके पूछा गया कि वे इस बारे में क्या कहेंगी। इस पर उन्होंने सवाल भी किया कि ऐसा क्यों है कि पुरुष सहकर्मी की गलती पर सिर्फ महिलाओं से माफी मांगने के लिए कहा जाता है, जबकि बात लैंगिकता के आधार पर होने वाले भेदभाव की हो रही है। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।